हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनिता क्लासेस। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम पार्ट थ्री देखने जा रहे हैं चैप्टर टू के बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बाल है। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किट तथा कंड, स्मट, कवक जाल, साखित तथा पट्टी होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रोनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रिक होती है, जिसमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी अथवा मियोसिस होता है, जिसके कारण चार बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण एगैरिकस मशरूम, ऑस्टिलागो कंड, पक्सिनिया, किट फंगस हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रवस्थाओं को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों कड़ी का पता लगा और फजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल लिया गया। एक बार ड्यूट्रोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेस्टोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पट्टी तथा साखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण आल्टनेरिया कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा है। पादप जगत प्लांटी किंगडम। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीट भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेडर वर्ट तथा विनस फ्लाई ट्रिप कीट भक्षी पौधों के और अमरबेल कसकुटा परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है, और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय तीन में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएँ द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद भिद होती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई और ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं के अनुसार विभिन्न होती हैं। युग्मनज 2N में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित N बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय तीन में पढ़ेंगे। जंतु जगत एनिमेलिया किंगडम। इस जगत के जीव विषम पोषी, यूकैरियोटिक और जो बहुकोशिकी हैं, उनका कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है।
ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। विषाणु वायरस वायरोइड तथा लाइकेन विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में अकोशिकी जीवों जैसे वायरस तथा वीरोइड तथा लाइकेन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये आप देख रहे हैं टोबैको मोज़ेक वायरस और फिगर है। दूसरा है जीवाणु भोजी वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकी जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। पास्टर डीजे इबोनोस्की 1892 ने तंबाकू के मोजाइक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बेजेरनिक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस तरल को कंटेजियम वाइन फ्लूडियम संक्रामित जीवित तरल कहा। W.M. स्टानले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिकी पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटी कोशक कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्स चेचक हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोजाइक बनना पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन पीला होना तथा सीरा स्पष्टता बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। वीरोइड 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था जिसके कारण
पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वीरोइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह वीरोइड के नाम से जाने जाते हैं। वीरोइड के आरएनए का आणविक भार कम था। लाइकेन, लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोबायंट कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषित होते हैं। शैवाल कवक फजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। सारांश, सरल आकार की लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। विटेकर ने इसके बाद एक बृहद पांच जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। ये पांच जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जाति वृद्धि संबंध है। पांच जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनरा जगत में रखा गया है जो विश्वव्यापी है। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत बृहत है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी अथवा परपोषी होती है। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अवपंक कवक तथा प्रोटोजोवा जैसे एक कोश की झिल्ली बंध कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फजाई कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है, उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत चार वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेस्डोमाइसिटीज तथा ड्यूट्रोमाइसिटीज आते हैं। प्लांटी पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिजोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी, युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिकी जीवों जिनके कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण प्राणी सम होता है। इनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिक जीव जैसे वायरस तथा वीरोइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के पांच जगत प्रणाली नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, अगर इसमें आपको कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट करके भी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन के साथ और इसके बेस्ट नोट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।